जकार्ता को अब स्पेन और दुबई में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि लता ने महाराष्ट्र सरकार और समाज सेवियों से आगे आकर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलने में उनकी मदद करने की अपील भी की है। लता नांदेड़ शहर के दत्तनगर इलाके में एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। हालांकि लता की कीर्ति पूरे देश में फैली हुई है। लता एक राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश भर में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में कांस्य और स्वर्ण समेत 5 अलग अलग पदक भी जीते हैं। बताते चले कि लता के माता पिता और भाई परिवार चलाने के लिए मजदूरी का काम करते हैं। खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद बैडमिंटन के खेल में लता का प्रयास काबिल-ए-तारीफ है। उसी लता को अब एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए स्पेन और दुबई में आमंत्रित किया गया है। हालांकि लता के लिए इन दोनों ही स्थानों की यात्रा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा खर्च वहन करने योग्य नहीं है, और जिसने उन्हें हताश कर दिया है और निराशा हासिल हुई है क्योंकि उनका ये परिवार इसे वहन नहीं कर सकता, और इसीलिए लता के कोच ने उनकी माँ के साथ मिलकर मदद की गुहार लगाई है। पैरा बैडमिंटन नेशनल प्लेयर हूँ, मेरी नेशनल उड़ीसा में हुआ है, वहाँ से वहाँ मुझे वुमेंस डबल में स्वर्ण पदक मिलने वाला है और मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल। और 4 साल से मैं चेतन माने बैडमिंटन अकेडमी में प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे इंटरनेशनल में मेरा सलेक्शन होने वाला है। तो मेरी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मुझे सब जनों मुझे हेल्प करिए क्योंकि मुझे आगे जाने की बहुत इच्छा है। मैं लता उमरेकर का कोच हूँ एट CMB अकेडमी, चेतन माने बैडमिंटन अकेडमी में। और मुझे ये अभी लता उमरेकर ने पैरा नेशनल हुए थे अभी भुवनेश्वर उड़ीसा में, तो वहाँ पे उनका परफॉर्म बहुत अच्छा था। वहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता मिक्स डबल में और वुमेंस डबल्स में, और मिक्स डबल में ब्रॉन्ज जीता, तो उनका परफॉर्म बहुत अच्छा था इसलिए वो गोल्ड मेडल जीत पाए। तो मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि सबने उसको हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प होनी चाहिए उसको सब तरफ से। हम हमारी तरफ से तो कोच बोल के कर रहे हैं हेल्प, जितना हो सके हम फाइनेंशियल करें। मेरे बच्चे को सरकार ने मदद करना, वो पूरे जाने को पैसा नहीं है हमारे पास, हम बहुत गरीब है, वो रोज मंजूरी करने वाले है। हम 2 लड़के है, 1 लड़की है, एक बच्चा डॉक्टर के पास काम करता, बड़ा छोटा खिलाड़ू है आर्चरी का, आपकी लड़की वो उसके पिताजी रोज मंजूरी करते। लड़की का नंबर लगाया वाला है, बाहर गांव को जाने वाली है, हमारे पास पैसा नहीं है, सासना ने मदद करने का।